हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन के आज के दिवाली के नेक्स्ट डे की। ये जो रीडिंग है इसमें आपके पर्सन की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लें, बाकी को इग्नोर कर दें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी पॉजिटिविटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, जिस व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, ठीक है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। हमें बताएं मेरे व्यूवर, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के करंट फीलिंग, करंट थॉट मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहे हैं। पहला कार्ड आया है लवर्स का, थ्री ऑफ सोर्ड, हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। सो व्यूवर्स, यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं उनकी राशि की अगर मैं बात करूँ तो उनकी राशि हो सकती है जैमिनी, काफ़ी स्ट्रांग राशि है। इसके अलावा हमारे पास जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, यानी कि मिथुन तुलाइन कुंभ राशि की एनर्जी है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी आई है। टैरो से हमने कुछ ही कार्ड्स निकाले हैं तो ये कुछ ही यहाँ पर राशियाँ नज़र आ रही हैं, और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी राशियाँ यहाँ पर आ सकती हैं। सो डोंट वरी व्यूवर्स, आपको सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना होगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, और इसी से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो आपका जो पर्सन है ना व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपके रिलेशन में, आपके साथ में प्यार में तो है, लेकिन प्यार में कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब पूरी तरह से नहीं है। अब आप कहोगे प्यार में है पूरी तरह से नहीं, इसका क्या मतलब है? ये व्यक्ति व्यूवर्स आपको लेके ऑब्सेशन में है, ठीक है? और ऑब्सेशन, प्यार जब ऑब्सेशन बन जाता है तो कहीं ना कहीं फिर कहते ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति, देखो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो, आपने पता नहीं इससे क्यों प्यार किया, क्या देख के प्यार किया, लेकिन प्यार किया। और इंसान को कहते हैं ना, इंसान जब प्यार में होता है तो वो बहुत कुछ नहीं देखता, वो धर्म जाति समाज रंग रूप भेदभाव ये सब चीज़ें नहीं मानता, उम्र वगैरह ये चीज़ों को नहीं कंसीडर करता। प्यार प्यार होता है, प्यार अगर सोच समझ के किया जाए तो वो प्यार नहीं होता। तो आपकी, आप इस रिश्ते में आए हो, इस व्यक्ति को मिले हो, ये इस व्यक्ति के नसीब हैं व्यूअर जो यहाँ पर नज़र आता है। कि कहते ना कभी कभी इंसान को नसीब से ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर वो अपने नसीब को संभाल नहीं पाए फिर नसीब उसे मुंह मोड़ लेता है। तो यही आपके रिश्ते में हुआ है व्यूअर्स, कि आपने जिस व्यक्ति को अपने लिए चुना,
जिस व्यक्ति को आपने अपनी लाइफ में प्यार दिया, अपनाया, वो व्यक्ति कभी आपको पूरे दिल से नहीं अपना सका। पहली बात तो ये, क्यों नहीं अपना सका, जबकि वो आपके सामने कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकता है कि व्यक्ति आपसे इन्फीरियर हो, मतलब कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे जाता हो। मे बी धर्म से हो सकता है, जाति से हो सकता है, तो रुपए पैसे से हो सकता है, रंग रूप में हो सकता है, ठीक है, सोच में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, बट ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स हमेशा से आपको लेके डाउट की एनर्जी में रहे, ठीक है। आपको पाया, ये इनके लिए अच्छी बात थी, खुश थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कभी भी वो ये चीज़ों को अपने मन में हमेशा टटोलते रहे कि आपने उनको क्यों पसंद किया, आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आए तो क्या आपका किसी और के साथ में पहले से कनेक्शन था, मतलब किस वजह से आप उनकी लाइफ में। उनको हमेशा से डाउट था आपके ऊपर, या तो आपका उनके अलावा किसी और के साथ में रिश्ता था, पहले से था, आप किसी और के साथ में पहले से अटैच थे और उनके साथ में आपकी शादी हो गई, मे बी आप उनके साथ में इसीलिए कहीं ना कहीं उस लेवल पर जाके अटैच नहीं हो पाए जिस लेवल पे जाके अटैच होना चाहिए। आप उनके तरफ एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहे थे, तो वो इनको ये डाउट हुआ कि यार वो एक्स्ट्रा प्यार क्यों मुझे मिल रहा है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा प्यार मिला तो उनको भी उस पर भी डाउट हुआ कि यार एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है। नॉर्मली उनकी ऐसी में भी हो सकता है एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से ना हो, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आपके पर्सन हमेशा से आपके ऊपर डाउटफुल एनर्जी में रहे, मे बी आपके नेचर बिहेवियर को लेके, आपके हो सकता दोस्त वगैरह हों, ठीक है, जिनको लेके, जिनके में भी आपके पास में कनेक्शन रहते हों, फ़ोन वगैरह आते हों, कुछ ऐसा मैसेज वगैरह आते हो, तो ये व्यक्ति हमेशा से किसी न किसी के ऊपर लेके डाउट करते रहे आपके ऊपर कि इसका इसके साथ में अफेयर चल रहा होगा, उसका इसके साथ में अफेयर चल रहा होगा। कई बार ये इनके जो शक हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी भी हुए हैं, यानी इनके कई बार शकों ने इनको ही कहीं ना कहीं नीचे दिखाया है, ऐसा नज़र आया। क्यों नीचे दिखाया, क्योंकि जिस व्यक्ति को लेके इन्होंने आपके साथ में शक किया, उसमें कुछ नज़र नहीं आया, कुछ नहीं मिला इनको, फिर भी इनका मन नहीं माना और ये अगेन आपके ऊपर शक पे शक करते रहे। तो आपकी जो पर्सन है व्यूअर, जो पर्सन मेल फीमेल जो भी है, वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन में भी थी या था, और शक की एनर्जी में भी यहाँ पर हमेशा से आपके ऊपर रहा है, और इसी वजह से उसने आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट भी करे और आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को लेके बोला भी है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं बार बार डाउट की एनर्जी आने की वजह से व्यूअर्स इस कनेक्शन में यहाँ पे टावर नज़र आता है, और ये टावर व्यूअर्स लाया गया, ठीक है, उनकी बातों की वजह से लाया गया। यहाँ पर ब्रेकअप जो हुआ है ना व्यूअर्स, ये फिर करना पड़ा आपको, ठीक है, ऐसा नज़र आता है, या फिर ये होके ही रहा जिसको आप टालना चाह रहे थे, जिसको आप रोकना चाह रहे थे। तो ये चीज़ें कहते हैं ना, बार बार अगर वही बात दोहराई जाएगी, बार बार उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो तकलीफ़ तो होगी कि जिस पे आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो और वो व्यक्ति आपको लेके ऐसा सोच रहा है, तो तकलीफ़ तो होगी। तो बस यहाँ पर यही है कि इस कनेक्शन में आप देख सकते हैं कि लवर्स के साथ में थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है, यानी प्यार ही कहीं ना कहीं तकलीफ़ का कारण बना है, प्यार ही है जिसने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को या फिर इस ज़िंदगी को जो आपकी है बिल्कुल बदल के रख दिया, और वो दर्द इस कनेक्शन में आपको मिला। आज भी बस मैं यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये इसी वजह से कभी खुल के आपके साथ में ना तो जी पाए, और जब इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को कंसिडर करने की कोशिश की, तब तक इन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आज भी बस यही एनर्जी है आपके पर्सन की, जो कि इनको अपनी ज़िंदगी में जब आप उनसे दूर हो चुके हो, ठीक है, तब इनको उस दर्द का एहसास हो रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करी, क्यों उन्होंने बिलीव नहीं किया, क्यों वो आपके ऊपर हमेशा से डाउटफुल की एनर्जी में रहे, क्यों वो सिंसियर एनर्जी में नहीं आ पाए, क्यों वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए कि आप उन्हीं के लिए हो, ठीक है। यानी इस कनेक्शन को समझने में व्यूअर्स इनको बहुत समय लगा है, बहुत ज़्यादा समय लगा है। यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है व्यूअर्स, वो ये दिखा रही है कि आज आपका पर्सन व्यूअर्स खुद भी ना तो खुश है, और ना ही उसने आपके ज़िंदगी में खुशी रहने दी। तो आज आपके पर्सन की स्थिति आप देखेंगे ना, तो ये यही है जहाँ पर आपके पर्सन ने ये जो बांधा है अपने मन में ही, जैसे कहते ना, भरते रहे। और आज जो है कि व्यूअर्स, जो चीज़ें भर भर के कहते ना, अगर एक ही परसेप्शन अगर बनाते रहो तो वो चीज़ें परमानेंट हो जाती है, फिर इंसान का अपना एक परसेप्शन बन जाता है। आपके पर्सन का भी यही, वहाँ पर यहाँ पर ये हुआ है। तो
इनका ये परसेप्शन कहीं ना कहीं इनको आज प्रॉब्लम में डाले हुए नज़र आ रहा है। अब जहाँ पर आप आपके पर्सन जो हैं व्यूवर्स यहाँ पे क्षमा मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो फिर उसको बार बार माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अब माफ़ भी नहीं करोगे, तो इनका जो शक है व्यूवर्स वो इनको ले डूबा है। और आपके जो पर्सन है व्यूवर्स, अब यहाँ पे देखो दिवाली रही है पर सेलिब्रेशन नहीं है। आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहता है पर खुशियों को पा नहीं पा रहा। उसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी अब आप नहीं हो, क्योंकि इसका फोकस किस पे आ गया, आप पे आ गया है, ठीक है। अब आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यार इन्होंने क्या किया और अब ये क्या करें, ठीक है, अब ये क्या करें। जो करंट एनर्जी चल रही है इस रिलेशनशिप की, आपकी, आपके मन में इनको लेके, जहाँ पर आप इनके, जैसे कहते हैं ना, सवालों से तंग आ चुके हो, जब आप जहाँ पर आप इनके कहीं ना कहीं परसेप्शन से तंग आ चुके हो, जहाँ पर आप इनको समझाते समझाते तंग आ चुके हो, तो कहते हैं ना कभी कभी दूरियाँ बनाना ज़रूरी होता। तो आपकी बनाई हुई दूरियाँ अब इस व्यक्ति को आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एहसास दिला रही है कि आप इनके लिए क्या थे। तो व्यूवर्स यहाँ पर एक लेसन की एनर्जी मिल रही है जो इस व्यक्ति को अब मिल रहे हैं, अब समझ में आ रहे हैं, जिसके लिए अब ये व्यक्ति सलाह मांग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे समझाऊँ उसको, वो तो सुनना ही नहीं चाहता, वो तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो तो मेरे से बात भी नहीं करना चाहती, ये नहीं चाहता, ठीक है, उसको मेरी ज़िंदगी में वापस ले आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इस तरह की बातें जो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये व्यक्ति भटक रहे हैं, ये भटकन की एनर्जी है जो यहाँ पर नज़र आ रही है, कि जहाँ व्यक्ति आप ही का साथ पाने के लिए, आप ही के साथ में होने के लिए, आप ही के साथ में रिश्ता बनाने के लिए भटक रहे हैं, जैसे दर दर की ठोकरें खाने वाली एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन देख रहे हैं कि यार उन्होंने पास्ट में आपके साथ में रिलेशनशिप कितना, मतलब आपकी तरफ से कितना सही था, लेकिन ये समझ नहीं सके, और आज जब इनके पास में आप नहीं हो तब इनको समझ में आ रही है। तो व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय लग गया है आपके पर्सन को, आपका पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बहुत लंबा एक अरसा निकल गया इनको ये बात, एक छोटी सी बात समझ में आने के लिए कि आपने उनको स्वीकार किया था तन मन धन से हर तरह से, लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं पाए। आप इनको कभी चीट करके नहीं जाते, आप इनको कभी धोखा दे के नहीं जाते, आप इन्हीं के लिए थे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह से समर्पित, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पाए। अब ये व्यक्ति जब समझ रहे व्यूवर्स, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, नो डाउट। अब ये व्यक्ति व्यूवर्स अब कहाँ चले, क्या करे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर यह आ रही है कि व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए ट्रस्ट और पाथ की एनर्जी आई है। ये एनर्जी यहाँ पर यह बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहा है, नहीं बढ़ पा रहा आगे, उसको वापस से वो सब कुछ मिलेगा नहीं समझ में आ रहा, और किसी और के साथ में अगर वो जुड़ते हैं तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको वो भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सब कुछ मिल पाएगा। सब कुछ ठुकरा के आज वही सब कुछ आपके पर्सन यहाँ पे पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी ये भी दिखाती है कि रिग्रेट है यहाँ पे, कि इन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे कहते ना समझी में बहुत कुछ गलत चीज़ें कर बैठे इस कनेक्शन में, डाउट करके, बेसिकली ये डाउट नहीं होना चाहिए था इस कनेक्शन में। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मे बी उन्होंने आपको शुरुआत में कभी इन्होंने ये बताया ही ना हो कि वो आपके ऊपर शक करते हैं, आपकी चीज़ों को देखना, आपसे पासवर्ड मांगना कि ये कौन है पूछना, ठीक है, आपके पीठ पीछे आपकी चीज़ों को चेकआउट करना, ये सब कुछ चला है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपकी अभी भी आपके पर्सन की अगर मैं देखूँ एनर्जी करंट में क्या आ रही है, ये अभी भी आपको लुकआउट करते हैं, ठीक है, आपकी हर चीज़ को लुकआउट करते हैं, आप किसके साथ में उठते हो बैठते हो। इनके मन में अब पता क्या आ रहा है, अब आप जो इनके लिए पहले सब कुछ कर रहे थे, अब आप कुछ करने वाले नहीं हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, मे भी किसी और के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, अब तो ये चीज़ें यकीन में बदलती जा रही हैं, मतलब यकीन ये कि अब आप सच में जो इनको बोल रहे थे, देख ये सब चीज़ें छोड़ दे नहीं तो फिर खो बैठेगा मुझे या खो बैठेगी, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती चली आ रही है। अब इनको दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और सच में आ गया, पहले तो सिर्फ इनका डाउट था,
अब कोई और आ गया, इनको ऐसा लग रहा है। तो सोशल मीडिया पे आपके फ़ोटोज़, आपकी लाइफस्टाइल, आपका सब कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। आप कितने बजे तक, अभी भी आपके पर्सन आपके नज़र रखते हैं, मैं आपको बता दूँ कि मे बी जिस भी तरह से, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो है जहाँ पर आपकी कॉल वगैरह, आपके मैसेजेस वगैरह, आपकी ऑनलाइन स्टेटस, हर चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। और उनको यही दिख रहा है कि अब ये व्यक्ति गया मेरे हाथ से, उसकी लाइफ में तो कोई और आ गई है, वो तो किसी और को डेट कर रही है, डेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी वीवर्स यहाँ पे ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक खलबली सी मची हुई है, कि जो अब वो, अब तो उसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है कि अब तो उसे आप ही चाहिए। पहले तो वो ये सोच रहा था कि यार ये मेरे लिए लॉयल नहीं, मैं से छोड़ दूँ, लेकिन अब तो उसे आप ही चाहिए। अब वो आपको दूसरे से छुड़वा के, यस, आपका सेपरेशन करवा के अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, ये चाहती है। उसको तो बस यही चाहिए कि भाई किसी तरीके से ये व्यक्ति जो बंदी बंदा मेरा जो है, इसकी लाइफ में जो दूसरा पर्सन आ गया ये उसको छोड़े और मुझे स्वीकार करे, मेरी लाइफ में वापस आ जाए। यहाँ पर ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है जैसे आपका पर्सन कि यार मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, अब तो मैं सारी बात मानूँगी, ये सारी बात मानूँगा। तो यहाँ पर क्या है, आप जिनके नेचर से परेशान थे ना व्यूअर्स, ठीक है, तो वही नेचर इनके लिए प्रॉब्लम बन रहा है, ऐसी एनर्जी का इस यहाँ पे है। तो समझाने का जिस व्यक्ति को अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब वो खुद समझ रहे हैं यहाँ पर आपके प्यार की वैल्यू को, जिसने कहीं ना कहीं आपके दिल को परेशान किया, आपके रिलेशनशिप में आपको हर्ट किया, आज वही आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ही से आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी से सिफारिश करवाना चाहते हैं अपनी, या किसी से कुछ करवाना चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक देख पा रही हूँ ये व्यक्ति कितना पागल है, ये कुछ भी कर सकते हैं, मे बी जैसे मतलब इनको कोई ये बोल दे ना कि ये कर लो टोटका या फिर ये कर लो, तो ये व्यक्ति वो भी कर जाएंगे। तो ये कुछ भी करने वाली एनर्जी, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पर इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा पर उसे आप चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने भाई दिवाली पे आपके लिए कुछ करा वरा भी हो, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर ऐसी बता रही है कि व्यक्ति जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है उसको आपको पाने के लिए। उसको तो जैसे साम दाम दंड भेद जो भी कुछ हो, बट उसे वो इस्तेमाल करना और आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर एक रिग्रेट की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और आपका पर्सन व्यूअर्स देखो, इनको जो रास्ता बता रहा है आपका पर्सन, उस रास्ते पर चल के आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए यहाँ पे कर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आई है। चलिए कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ है उनके दिल दिमाग में, क्या है जो वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। सो फर्स्ट कार्ड भी है व्यूअर, जो यहाँ पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगेन आपके रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट है वो इश्यूज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यानी आपके पर्सन को यही लगा है हद से ज़्यादा कि आपने उनके लिए लॉयल्टी नहीं निभाई है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि देखो उनके लिए मूव ऑन करना ईजी नहीं हो पा रहा, वो आपको अब नहीं भूल पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में वापस से चाहते हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में समझने में या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप में आपके साथ में वापस आने में उनको समय तो लगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि अब ये व्यक्ति आपको किसी भी कीमत पे, जैसे आपसे शादी करना चाहती है, शादी करना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में अब रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहा है, इंटीमेट होने के बारे में सोच रही है, सोच रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ फील करने लगे, मतलब आप उनके लिए स्पेशल पर्सन बन चुके हो, उनकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो उनकी लाइफ में। व्यूअर्स आप दोनों के बीच में देखो जो भी पर्सनल इश्यूज रहे हैं आपके पर्सन उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ में चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ देर इज़ अनदर रीज़न, मे बी फैमिली प्रेशर, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि देखो वो चीज़ें भी यहाँ पर रिजॉल्व करके आपके साथ में आगे बढ़ें। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए अभी फील तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये डर लग रहा है कि सेम फीलिंग आपकी तरफ से है या नहीं है, और क्या ये जो फील करें आपके लिए क्या वो आपके लिए शक नहीं करेंगे, क्या ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी नहीं रहेंगी, इनको ये चीज़ों को लेकर इशू हो रहा है। आज मैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी यहाँ पर देख रही हूँ, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस यहाँ पर क्या आ रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ हेल्प अस। ओके हेल्पफुल पीपल, अनलाइकली एंड व्यूअर्स
द नेक्स्ट कार्ड वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस. सो व्यूअर्स, आपकी लाइफ में देखो कोई ना कोई तो आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपकी मदद कर सकता है आपकी सिचुएशन को डील करने में या उसे ओवरकम करने में. तो इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है व्यूअर्स, ये एनर्जी उस तरफ इशारा करती है जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं है ना कि यार ये व्यक्ति मेरी मदद नहीं करेगी या मदद नहीं करेगा, इससे तो मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या तो ये मेरे से मतलब बातचीत नहीं होती है ज़्यादा, या फिर इसके पास अब क्यों जाऊँ मैं, मतलब कहाँ जहाँ पर आपकी उम्मीद नहीं है बेसिकली. तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार व्यक्ति मदद कर तो सकता है लेकिन करेगा नहीं, वही व्यक्ति आपकी मदद करेगा अगर आप उससे मदद मांगते हो तो. ठीक है, तो आपको मदद मिलेगी व्यूअर्स, उसी से आपकी लाइफ में यहाँ पे अच्छे चेंजेस यानी बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे. तो आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, एक दूसरे को लेकर समझने में अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज़ है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी पूरी. ठीक है, तो उसी से आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं. तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आप लोग के लिए. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, इस रीडिंग को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स, आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें. सो बाय, टेक केयर, एंड लास्ट हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.